आशीष जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, बाजार की इस तेजी को प्ले करना हो तो आपके हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर जो बहुत मजबूत है? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमारे रडार पर दो स्टॉक्स है। पहला है कजारिया सिरेमिक्स, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा 1030 का। और इसका चार्ट के ऊपर जो जिस तरह से फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 1110 का ये टारगेट दिखाई दे रहा है। ये जो स्टॉक है ये मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ अभी वो इंट्राडे के तौर पर नहीं है, वो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अजंता फार्मा, 1505 का स्टॉप लॉस लगाए रखे और करीबन 1600-1603 का टारगेट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। कि जिस तरह से मूलिश मोमेंटम आया है और जिस तरह से वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस ने मुझे यही रुझान दिया है तो दूसरा स्टॉक अजंता फार्मा मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए, अजंता फार्मा की आपने बात करी है, मिड कैप कैटेगरी में आप पहुंचे, तो मैं दो स्टॉक्स आपसे पूछना हूं, एमएनएम फाइनेंशियल और एसकेएस माइक्रो, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए सर? कंपेयर करता हूं तो सबसे पहले मैं एमएनएम फाइनेंस की बात करता हूं। इसने जिस तरह से रैली दिया है करीबन 180 के लेवल से वो 304 तक ये स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में से आया है, तो मैं यहां पे मानता हूं कि एक करेक्शन यहां पे जरूरी होगा। अगर करेक्शन नहीं आता है तो फिर ये स्टॉक ज्यादा बुलिश मोमेंटम जारी नहीं कर पाएगा, तो यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक करेक्शन आएगा। लेकिन दूसरा जो स्टॉक जो आपने कहा एसकेएस माइक्रो, तो ये जो स्टॉक है ये अगर मैं दोनों में कंपेयर करता हूं तो ये स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चार्ट के ऊपर उसने पिछले कई दिनों का जो एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है, तो मैं यहां से मानता हूं कि करीबन 680 तक का ये स्टॉक में टारगेट दिखाई दे सकता है। तो एसकेएस माइक्रो खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रखूंगा रजत जी, और ये जो स्टॉप लॉस है करीबन 578 का होगा और 680 का लक्ष्य भी यहां पे दिखाई देगा।